नमस्कार, मैं हूं जूली और आप इस वक्त देख रहे हैं NBC 24। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मी बरकरार है। ऐसे में भाजपा के टाल मटोल वाले रवैये पर दूसरी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। इसी को लेकर अब राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा बार बार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल रही है, इसे देखकर यही लगता है कि वो इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है। कहीं ना कहीं भाजपा इस जातिगत जनगणना के मसले को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पहले सुनिए आप कि उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह स्टैंड बदल रही है, इनकी मंशा और नीयत पर शक है। और हम लोग पहले से ही कहते रहे हैं कि भाजपा की मंशा साफ नहीं है, ये नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने सदन में बयान दिया था, भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के भी मंत्री गए थे, लेकिन भाजपा में जिस तरह से स्टैंड बदल रही है, भाजपा के नेता के अलग अलग सुर और राग आ रहे हैं, ये बता रहा है कि भाजपा कहीं न कहीं इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसे लेकर भी मृत्युंजय तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा को हराने में सक्षम है, उसे हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की याद दिलाई कि किस तरीके से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया था। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेता इस बारे में फैसला करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी पहुंचे चुनाव की तैयारी करने के लिए, तो क्या राजद जैसे बंगाल चुनाव में समर्थन किया था टीएमसी का, तो क्या सपा करेगी? देखिए मुकेश सहनी जी भाई, उनकी पार्टी अलग है, वो कहीं भी जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने सब दिन ये प्रयास किया है कि हम जो बीजेपी को हराने में वहाँ सक्षम होगा, उसके साथ आरजेडी खड़ी होगी। हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट आरजेडी ने दिया, परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय नेतृत्व हमारा विचार करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी फैसला लेंगे, समय आने दीजिए। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।